हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये है रॉयल इनफील्ड रीबॉर्न और ये है इसका E20 वेरिएंट। ये देखिए E20 का स्टिकर ये लगा है। तो आज इसको मैं सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो सर्विस बताई थी वो बताई है 500 किलोमीटर में या 45 डेज में। तो इसको मैं जल्दी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें आ रही है कुछ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, इसका जो अगला ये ब्रेक है ये डिस्क से लग के चल रहा है और ये आप देखिए ये पूरी लाइनिंग्स आ रही हैं। तो मैंने इसको पहले भी सर्विस सेंटर में दिखाया था और ये काफ़ी नॉइज़ कर रहा है, मतलब चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी के मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा चलाने में, तो थोड़ा सा इरीटेट भी करता है कि इस तरह की आवाज़ आ रही है। और दूसरा ये है कि इसके जो ये ब्रेक शू हैं ये भी लगातार घिस रहे हैं। तो मैं इसी वजह से इसको सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ। और एक बारी मैंने पहले भी सर्विस सेंटर में दिखाई थी तो उस दिन भी उन्होंने क्या क्लीनिंग करी है केवल, और आज जब इसकी सर्विस होगी तो आज इसमें मैं कंप्लीट इसका वो जो है काम करवाऊँगा। तो सर्विस सेंटर में हमारी गाड़ी लग चुकी है और ये बे पे जो है चढ़ चुकी है और काफ़ी अच्छा रहा, तुरंत मेरा नंबर आ गया और एकदम से जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा मुझे। और ये देखिए इसका जो है इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ये पुराना इंजन ऑयल निकाला जा रहा है इस समय। ये देखिए ये सब निकल गया इंजन ऑयल, और ये साथ में जो है इन्होंने इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सब चेंज किया है। ये एक्चुअली ये सब कुछ एक किट के अंदर ही आता है, उस किट के अंदर ही ये इंजन ऑयल और इसके फिल्टर, इसकी जो जितने भी सील वगैरह लगती हैं सब कुछ इसी के अंदर है। अब ये देखिए ये बाइक का टैंक भी हटाया जा चुका है। अब ये इसलिए हटाया गया है क्योंकि इसका टैपेट कवर खोला जाएगा। अब ये टैपेट कवर इसमें खोला जा रहा है, ये थोड़ा सा वैसी बात है कि केवल मैंने यही देखा है कि फर्स्ट सर्विस में ही जो है टैपेट कवर को खोला जा रहा है। पर चलो ठीक है, ये रॉयल इनफील्ड का अपना शेड्यूल है। तो ये देखिए इसका टैपेट कवर खोला जा चुका है और खोल के करेंगे क्या ये मुझे भी नहीं पता अभी तक। तो ये टैपेट कवर को खोलने के बाद ये देखिए ये टैपेट को ना एडजस्ट कर रहे हैं, इसके टाइमिंग चेन को एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये टायर को हिला के उधर टाइमिंग चेन, और ये टैपेट को देख रहे हैं कि किस तरह से ये मतलब कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो उसके बाद ये जो है अपना गेज के हिसाब से जो है टैपेट को एडजस्ट कर रहे हैं। पर कुल मिला के मुझे रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर का बड़ा अच्छा लगा हिसाब किताब, क्योंकि जो कमियां थी वो मैंने बताई तो उन्होंने बड़े अच्छे से उस चीज़ को सुना है और बड़े अच्छे से ही हर एक चीज़ को कर रहे हैं, और प्रॉपर जो सर्विस हो रही है वो उसी के हिसाब से हो रही है जो शेड्यूल में इनके लिखा हुआ था। और ये देखिए ये मेरा ब्रेक का काम हो रहा है, ये ब्रेक से तो मैं बहुत दुखी हो गया, लेकिन मैंने उनको एक बार ये प्रॉब्लम बताई थी तो उन्होंने अच्छे से उसको सुना और उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अब ये कितनी मेरी प्रॉब्लम दूर होती है नहीं होती है इसको बाद में देखेंगे, पर फिलहाल जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये रॉयल इनफील्ड के साथ। तो अभी देखते हैं इसमें टोटल मैं इसकी बिलिंग कराऊँगा इसमें कितना खर्चा आया है। और ये देखिए ये वॉशिंग कम्प्लीट हो चुकी है और अब चलते हैं। तो यार ओवरऑल मेरा 1800 रुपये का बिल आया, तो ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है जिस तरह से इन्होंने सर्विस करी है, और बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा। तो अभी इसका एक मैं बढ़िया रिव्यू बनाऊंगा जिसमें कि मैं हर एक चीज़ इसके पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।